टू माय यूट्यूब चैनल टीडी वर्कशॉप में आपका इस नई वीडियो के साथ फ्रेंड्स फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे हुंडई i20 और इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। तो अभी हम सबसे पहले हमने इसकी इंजेक्टर की बैक लीकेज चेक करी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर बैक लीकेज कितने किस कदर देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, ये इसमें बैक लीकेज है। और अभी हम आपको जस्ट स्टार्टिंग दिखाते हैं, बंद करके स्टार्ट करना, छोटे से बोलना वो आपकी चीज आ रहा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी गर्म हो गई है तो गाड़ी स्टार्ट हो रही है, बट इंजेक्टर के चले गए हैं तो इसे मॉर्निंग में ज़्यादा स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी इसके इंजेक्टर को करवाते हैं फ्रेंड रिपेयरिंग और आगे वीडियो में मिलते हैं, वीडियो में बने रहना। सो फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने इसका डीजल फिल्टर भी नया डाल दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अभी हमने जस्ट टंकी का फिल लिया है, आप देख सकते हैं हमारी टीम लगी हुई है। तो अभी हमने जस्ट ये खोल लिया है, अब इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर देखेंगे कोई कचड़ा वगैरह तो नहीं है। सो कंटिन्यू बने रहिए फ्रेंड्स वीडियो में। बस अभी जस्ट हमने फ्यूल पंप खोल लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर निकालो बाहर, यहाँ से निकालो इसको, लग करो। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप कचड़ा कितना लगा हुआ है इसमें, देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखो अब ये कचड़ा कुछ दिख रहा है इसका, इसकी वजह से इंजेक्टर की प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ये देख सकते हैं आप जाली में कचड़ा। सो गाइस आप देख सकते हैं ये कचड़ा इतना सारा इसमें है, इसकी वजह से इंजेक्टर में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है फ्रेंड्स। ये यहाँ से ये कचड़ा डीजल फिल्टर में पहुँचा और डीजल फिल्टर से फ्रेंड्स इंजेक्टर में कचड़ा पहुँचा फ्रेंड्स, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है फ्रेंड्स। तो अभी हम इसको साफ़ करके टंकी में कसेंगे, और अभी हम टंकी भी दिखाते हैं आपको, टंकी में कोई को जस्ट दिखाता हूँ फ्रेंड्स, फ्यूल टैंक में कहीं कोई कचड़ा नहीं है, आप देख सकते हैं फ्यूल टैंक फ्रेंड्स, ये पत्ती डली हुई थी बस, बाकी कोई कचड़ा नहीं है फ्यूल उसमें, फ्यूल पंप में, फ्यूल टैंक में, सॉरी फ्यूल टैंक में कोई कचड़ा नहीं है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अभी जस्ट इसको करते हैं साफ, वो साफ करके कसते हैं, कंप्लीट करते हैं। ओके फ्रेंड्स सकते हैं अभी हमने जस्ट इसको साफ कर लिया है, बढ़िया पेट्रोल से साफ कर लिया है, पानी से, और इसमें हवा मार दी है, आप देख सकते हैं एकदम क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब इसको करते हैं कंप्लीट। तरीके से असेंबल होगा, लग चुका है कि यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स। इस तरीके से बैठ गया है फ्रेंड्स, और ये आपकी सॉकेट, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी यहाँ पर ऐसे, और ये तार जो है ये यहाँ पर चले जाएंगे। सो अभी ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। ओके फ्रेंड्स अब इसको करते हैं फ्यूल टैंक में कसते हैं, और कसने के बाद फिर इसके इंजेक्टर जब तक कंप्लीट होती है, इंजेक्टर कंप्लीट हो जाएंगी, और फिर इसको कंप्लीट करके फिर आपको गाड़ी की परफॉर्मेंस दिखाते हैं फ्रेंड्स, कंटिन्यू वीडियो में बनाना है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स सो फाइनली फ्रेंड्स इंजेक्टर हो चुके हैं हमारे कंप्लीट, हम करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, स्टार्ट करने के बाद एक्सीलेटर लो। तो गाइस आप देख सकते हैं इंजेक्टर हो चुका है कंप्लीट, एक भी परसेंट बैक नहीं है, अभी मैंने जस्ट आपको दिखाया था बैक जब रिपेयर नहीं हुए थे इंजेक्टर, अब जस्ट इसमें देख लिया आप कोई बैक लीकेज नहीं है इंजेक्टर में, और स्टार्टिंग की जो प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स यहीं से थी, ये आप देख सकते हैं हल्का हल्का ये ड्रॉप आ रहा है, इनमें इतना होना ही चाहिए। और फ्रेंड्स जो प्रॉब्लम स्टार्टिंग की थी वो हमारी ख़त्म हो चुकी है,
इंजेक्टर हो चुके हैं कंप्लीट फ्रेंड्स। स्टार्टिंग प्रॉब्लम की प्रॉब्लम थी वो भी सॉर्ट आउट हो चुकी है फ्रेंड्स। बस यही जानकारी देने वाला था, इंजेक्टर में प्रॉब्लम थी जैसे स्टार्टिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।